हेलो दोस्तों, आपका हमारे टारगेट बोर्ड एग्जाम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले कवि आते हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं। दूसरे आते हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी जो रचनाएं हैं क्या बोलूं क्या याद करूं, ये सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी है। तीसरे आते हैं रामचंद्र शुक्ल, जिनकी रचनाएं हैं चिंतामणि, रस मीमांसा और विचार भी थे और कई रचनाएं हैं, ये महत्वपूर्ण रचना इनकी है। अगले आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना है जिनकी प्रसिद्ध रचना है उजली आग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका है। और अगले हैं माधवी वर्मा, जिनकी रचनाएं हैं पथ के साथी, मेरा परिवार, यामा और रश्मि। अगले जो है कवि वो है डॉक्टर भगवत सरोवर उपाध्याय, जिनकी रचना है ठूंठा आम, इतिहास साक्षी है और खून के छींटे। अगले हैं जयप्रकाश भारती, जिनकी रचना है अथाह सागर, अनंत प्रकाश, हिमालय की पुकार। और अगले हैं धर्मवीर भारती, जिनकी है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता और ठंडा लोहा। और सबसे लास्ट जो है वो है राजेंद्र प्रसाद, जिनकी रचना है मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा और मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृत्यायन का भी रचना है, लेकिन आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद रखना और उनका भी याद रखना। ये 10 सबसे महत्वपूर्ण कवि के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे भी मैं आप लोगों को इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना मत भूलिएगा।